स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशंस। तो स्टूडेंट इससे पहले जितने भी क्लास हमारे हुए थे हमने वो जनरली क्लासरूम के अंदर वो जो भी टॉपिक्स है वो हमने पढ़े थे। ओके आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द करोजन एंड रैंसिडिटी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द करोजन। तो एक्चुअली ये जो करोजन है एग्जैक्टली क्या होता है, जनरली करोजन जो है वो मेटल का होता है, मेटल के साथ होता है। तो करोजन मतलब इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल, करोजन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, उसमें एयर रहती है, एयर में ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैसेस आर देयर, एसिड्स इज देयर, वाटर वेपर्स आर देयर और वाटर, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दे रिएक्ट विद द मेटल एंड डिग्रेड द मेटल और डिके द मेटल। सो एज उसका उससे क्या होता है कि डिके होने से जो मेटल की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है बेटा वो लॉस होती है, या कुछ मेटल की जो शाइनिंग है वो लॉस होती है। ओके तो इससे जो मेटल है उसका जो स्ट्रांगनेस है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द व्हाट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन, बराबर है कि नहीं। तो एक्चुअली करोजन ये मेटल के साथ होता है। आप देखते हो कि आपके घर में है ना पुरानी व्हीकल्स है, राइट, या बहुत चीज़ें जो मेटल से बनी हुई है, तो आफ्टर फ्यू डेज आपको वो जो चीज़ें है मतलब जैसे व्हीकल है ना उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, मतलब वो जो मेटल से बनी हुई है वो मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है मतलब धीरे धीरे कम हो जाती है। तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द करोजन। तो एक्चुअली बेटा ये करोजन डिफरेंट टाइप्स के मेटल के साथ होता है और डिफरेंट कंपोनेंट उससे रिएक्ट होता है। तो एक्चुअली आप देखते हो कि करोजन जैसे हम बेसिकली आयरन, आप देखते हो कि ये जो आयरन है ये एक वन, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ मेटल। तो बेटा आयरन का भी करोजन होता है और आयरन के करोजन को जनरली रस्टिंग बोला जाता है। स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोजन जो है बहुत सारे मेटल के साथ होता है, राइट, लेकिन स्पेशली आयरन का हम सोचते हैं। आप देखते हो कि आयरन ये जो मेटल है इट इज़ द रीड ऑफ द टुडेज कंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन आप देखते हो, रोड के कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन है, उसमें आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब आयरन ये बेटा ये कंस्ट्रक्शन के लिए रीड माना जाता है, राइट। सो आयरन का भी करोजन होता है और आयरन के करोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। तो एक्चुअली आयरन का रस्टिंग कैसे होता है या एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट हैपन्स विद द आयरन, वो देखने के लिए हम आज ये जो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हम आए हैं, ये स्कूल बिल्डिंग है और स्कूल बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हुआ है। तो एग्जैक्टली हम आयरन के साथ होने वाला करोजन जिसको हम रस्टिंग बोले वो एग्जैक्टली हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, आयरन जो है एयर में रहने वाला, आप देख सकते हो कि ये रॉड है ना, ये आयरन रॉड्स है। ओके तो एक्चुअली आयरन के साथ करोजन कैसे होता है कि आयरन, दैट दीज आर द आयरन रॉड्स, ओके सो दे ऑलवेज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, राइट, और एयर में जो ऑक्सीजन है वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है, और ऑक्सीजन और साथ में वाटर वेपर, तो वाटर वेपर और आयरन क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आने से ये जो आयरन रॉड है इनका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, बराबर है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेडिश कलर का सब्सटेंस, ये कहीं पे भी देख सकते हो, एक रेडिश कलर का है ना ये डिपोजिशन, आप देख सकते हो ये रेडिश कलर, राइट, तो ये जो रेडिश कलर का यहाँ पे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज़ द रस्ट, बराबर है कि नहीं, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3.H2O, मतलब हाइड्रेटेड है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलेंगे हम, राइट, तो ये उसको हम रस्ट बोलेंगे बेटा। जनरली रस्टिंग होता है जिससे ये जो आयरन रॉड है वो क्या होता है डैमेज होता है, उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो लॉस होती है। हमने रिएक्शंस देखी है ना, कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन स्लो होती है, राइट, तो जैसे ये आयरन का रस्टिंग जो है बेटा ये स्लो टाइप की रिएक्शन है, मतलब चलो आज ही ये कॉन्टैक्ट में आ गया एयर के, तो आज ही ब्रेक हो जाएगा क्या, नहीं, इसके लिए मतलब महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, मतलब रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन जो डैमेज है वो धीरे धीरे होता है, बराबर है कि नहीं। तो ये रस्टिंग जो है इट इज़ रियली हार्मफुल बिकॉज इट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर
मेथड सॉरी मेटल अंडरस्टैंड. तो एग्जैक्टली ये रस्टिंग कैसे होता है ना, ये आयरन के साथ रस्टिंग होता है. एक्चुअली आयरन का जो रस्टिंग है, मतलब जिसको हम करोजन बोलेंगे, राइट, तो ये बेटा सिंपली ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट होने से नहीं होता है. तो आयरन का रस्टिंग होने के लिए वाटर भी क्या है बेटा, इसेंशियल है, और वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है. मतलब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होने से आयरन का रस्टिंग क्विकली होता है, या आयरन का रस्टिंग होता है. अब आयरन के रॉड पे कैसा होता है कि कुछ जगह पे एनोड रीजन रहता है और कुछ जगह पे कैथोड रीजन रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस. सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने से ही रस्टिंग नहीं होता है. तो बेटा आयरन पे कुछ पोर्शन पे एनोड इलेक्ट्रोड एक्ट होता है, तो कुछ जगह पे कैथोड होता है, और बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुड बी टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रस्टिंग विल बी टेक्स प्लेस. तो आज हमने एग्जैक्टली रस्टिंग क्या होता है, आप ये पूरी साइड देख सकते हो. यहाँ पे जितने भी आपको आयरन के रॉड दिखेंगे, एक रेडिश कलर का सब्सटेंस उस पर डेवलप होता हुआ आपको दिखाई देगा. तो वो जो रेडिश कलर का सब्सटेंस है बेटा, दैट इज द रस्ट. बराबर है कि नहीं? तो ये एग्जैक्टली रस्ट जो कि इस आयरन रॉड को क्या करेगा, डैमेज करेगा, धीरे धीरे उसका डिकेइंग करेगा. ओके, जो अब एग्जैक्टली इसकी जो थ्योरी है, क्या थ्योरी है, कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हम क्लासरूम में देखेंगे. तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था करोजन, है ना, हमने आउटसाइड लेके एग्जैक्टली आयरन के साथ होने वाला करोजन हमने स्टडी किया, किस तरह से आयरन का करोजन होता है, तो हम एग्जैक्ट उस साइड पे जाके हमने स्टडी किया है बेटा. तो एक्चुअली कुछ थ्योरेटिकल बातें करोजन के बारे में हम स्टडी करेंगे. आपकी किताब में एक एक्टिविटी दी है, राइट, सो एज टू अंडरस्टैंड द करोजन और द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो पहले वो एक्टिविटी देख लेते हैं. तो इस एक्टिविटी में, तो टुडेज टॉपिक हमारा करोजन, राइट, ये लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, करोजन एंड द रैंसिडिटी. साथ में हमें रैंसिडिटी भी स्टडी करना है. तो ये करोजन और रैंसिडिटी, ओके, हमें स्टडी करना है. तो एक्चुअली करोजन कैसे होता है, आयरन के साथ होने वाला करोजन हमने अभी ये साइड पे जाके, है ना, आउटसाइड द क्लासरूम हमने देखा है. ओके, आई होप आपको एग्जैक्ट आयरन के साथ होने वाला करोजन आपने स्टडी किया होगा. तो एक्चुअली एक एक्टिविटी हमें स्टडी करना है. तो इस एक्टिविटी के लिए हमें ऐसी 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, राइट, जो इस ये जो एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी है बेटा, वो हम स्टडी कर लेते हैं. 4 टेस्ट ट्यूब लेना है, राइट, इस तरह से हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली है. इसको हम टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 और टेस्ट ट्यूब 4 ऐसे नाम देंगे, राइट. अब जो पहले टेस्ट ट्यूब में बेटा आपको क्या लेना है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यू शुड टेक हॉट वाटर, राइट, हॉट वाटर लेना है, और उसमें ऑयल भी ऐड करना है ना, सम पोर्शन ऑफ द अपर मोस्ट पोर्शन या ऑयल. हॉट वाटर के साथ क्या ऐड करना है ना, हॉट वाटर अलोंग विद द ऑयल, राइट, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में लेना है. सेकंड टेस्ट ट्यूब में आपको बेटा साल्ट का सॉल्यूशन लेना है. यू शुड टेक साल्ट सॉल्यूशन इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब, कोई भी साल्ट आप सेकंड टेस्ट ट्यूब में. थर्ड टेस्ट ट्यूब एयर लेना है. एयर लेना है मतलब एयर ऑलरेडी उसमें रहती है, कोई भी वेसल्स लो, एयर अपनी जगह वहाँ पे है ना, एयर उस जगह पे रहती है. तो इसमें समझो क्या है बेटा, ये थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या एयर है, ओके. और फोर्थ जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बेटा अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है. अनहाइड्रस, व्हाट यू शुड टेक, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है. क्या लेना है बेटा, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बराबर है, और ठीक है. अब और फोर्थ टेस्ट ट्यूब अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेने के बाद है ना, तो उसको हमें रबर कॉर्क से पैक भी करना है, क्लोज भी करना है, जब हम इसमें आयरन डालेंगे. अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा, कि चारों टेस्ट ट्यूब में स्मॉल आयरन मेटल का क्या डालो, नेल्स डाल, ठीक है, इसमें भी डालो, और फिर इसको फोर्थ नंबर के टेस्ट ट्यूब जो बेटा, इसको क्या करो, क्लोज कर दो विद द रबर कॉर्क. नाउ चारों टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल डाला. अब रिमेन दिस 4 टेस्ट ट्यूब अनअटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज, है ना, कुछ दिनों तक इन टेस्ट ट्यूब को आप अटेंड मत करो, वैसे ही उनको ये जो सेटअप है जैसे कि वैसा आप रख दो, ठीक है. अब आफ्टर फ्यू डेज, है ना, सो व्हाट विल हैपन, जब आप कुछ दिनों के बाद इन चारों टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन करोगे, तो क्या मतलब क्या ऑब्जर्व होगा आपको, क्या चेंजेस होंगे, है ना, व्हाट डिड यू नोटिस, राइट, या जो आयरन नेल आपने
इस चारों टेस्ट ट्यूब में राइट डाला था, तो वो जैसे के वैसा, जैसे प्रीवियसली था वैसे कौन से टेस्ट ट्यूब में फाउंड होगा, है कि नहीं? तो ये आपको क्या करना है बेटा, ऑब्जर्व करना है. सो व्हाट यू शुड ऑब्जर्व, यू शुड ऑब्जर्व दैट इन द टेस्ट ट्यूब नंबर वन, ये जो टेस्ट ट्यूब नंबर वन और टेस्ट ट्यूब नंबर फोर, इसमें जो आयरन नेल है ना, टेस्ट ट्यूब नंबर वन में और टेस्ट ट्यूब नंबर फोर में जो आयरन नेल है बेटा, इट रिमेन एज इट इज, इट रिमेन एज इट इज, रिमेन्स द सेम, जैसे पहले था ना, बराबर है कि नहीं? वैसे ये फर्स्ट और फोर्थ में जो आयरन है वो इट रिमेन्स एज इट इज. सो क्या इससे क्या होता है कि वॉट इट इंडिकेट, इंडिकेट दैट नो रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस विथ द आयरन नेल इन दिस टेस्ट ट्यूब. ओके, अब जो बीच की जो सेकंड और थर्ड नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है ये, तो इनमें बेटा आयरन नेल के साथ रिएक्शन होती है. आयरन नेल पे एक रेडिश कलर का सब्सटेंस क्या होता है बेटा, डिपॉजिट होता है ना, रेडिश कलर का सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट होता है. दैट रेडिश कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द रस्ट. हमने अभी आउटसाइड जाके वो देखा है कि एक्चुअली आयरन के साथ होने वाला जो करोजन है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, और रस्ट क्या होती है ना. तो ये जो इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिखेगा कि ये आयरन नेल पे एक रेडिश कलर का आपको सब्सटेंस डिपॉजिट होते हुए दिखेगा, जिसको ही हमने क्या बोला था बेटा, रस्ट. और उसका फार्मूला है Fe2O3.xH2O, हाइड्रेटेड है ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोलेंगे हम इसको. ओके, तो ये रस्ट का फार्मूला एग्जाम में एक वन मार्क के लिए बेटा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्ट. तो यू शुड, आई थिंक बोर्ड के एग्जाम में एक मार्क के लिए पूछा, क्वेश्चन पूछा भी है इसके पहले. ओके, तो ये दो टेस्ट ट्यूब में बेटा आयरन के साथ रिएक्शन होगी और रेडिश कलर का सब्सटेंस उस पर डिपॉजिट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट, राइट, जिसका फार्मूला है Fe2O3.xH2O. ओके, तो एक्चुअली साल्ट के साथ बेटा, मतलब आयरन रस्टिंग जो है बेटा फास्ट होता है ना, आयरन का रस्टिंग साल्ट, व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्ट, राइट, इट रस्ट फास्टली, राइट. तो ये जो है रस्टिंग टेक्स प्लेस विद द व्हाट, आयरन नेल्स. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जनरली एयर, एयर में ऑक्सीजन है और साल्ट के साथ बेटा रस्टिंग प्रोसेस होता है. अब रस्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि रस्टिंग जो है मतलब आयरन का, आयरन का जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन के साथ आने से जो सिंपल रिएक्शन होती है उससे ही रस्टिंग नहीं होता है. तो बेटा वाटर भी नेसेसरी है रस्टिंग के लिए बेटा, वाटर या वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहते हैं, वो भी बेटा नेसेसरी है. इट्स नॉट अ सिंपल रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. रस्टिंग के लिए जो रिएक्शन होती है ना, आयरन का जो रस्टिंग होती है, होता है वो बिकॉज ऑफ द बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, राइट, तो इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, राइट, तो आयरन पे जनरली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना. तो दो इलेक्ट्रोड मतलब कुछ पोर्शन पे एनोड रहता है, कुछ पोर्शन पे कैथोड रहता है. तो ये एनोड पे और कैथोड पे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है. कहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होती है, तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रस्ट विल बी फॉर्म ऑन द आयरन इलेक्ट्रोड. ओके, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे रस्टिंग प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है. जैसे आयरन जिसका सिंबल Fe है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होती है, जैसे Fe फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे कि Fe सॉलिड इट ऑक्सीडाइज टू Fe2+ टू इलेक्ट्रॉन, राइट, एक्वस. तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये एनोड पे रिएक्शन होगी, राइट, दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस एट द एनोड, है ना. आयरन रॉड पे कुछ पोर्शंस एनोड का रहता है तो उस पर ये रिएक्शन होगी, जिसमें ये Fe गेट्स कन्वर्ट इन टू द Fe2+, जिसको हम फेरस आयन बोल सकते हैं, राइट. तो ये जनरली ऑक्सीडेशन होगा बेटा, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा एंड इट फॉर्म द Fe2+. ओके, उसके बाद कैथोड पे जनरली जो ऑक्सीजन है बेटा, है ना, उसका भी, है ना, ऑक्सीजन भी क्या होता है, किसके साथ रिएक्ट होता है कैथोड पे, कि वो ऑक्सीजन इज अगेन, इसका भी क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन इज गेट्स रिड्यूस, राइट, टू फॉर्म द वाटर,
ये इसका रिडक्शन होता है और क्या फॉर्म होता है, वाटर, जैसे 4H+ ओके एंड इट फॉर्म द प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म द वाटर रिएक्शन इस तरह से. ऑक्सीजन ये जनरली कैथोड पे, वेयर दिस रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस ऑन द कैथोड इलेक्ट्रोड ओके. यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मतलब वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म द वाटर ओके. आफ्टर दैट ये जो Fe2+ यहाँ पे आयन फॉर्म हुआ था बेटा, दैट Fe2+ आयन माइग्रेट फ्रॉम द एनोड, कहाँ से माइग्रेट होता है बेटा, एनोड से, और किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है और ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Fe3+ में, सॉरी ये माइग्रेट होता है एनोड से और अगेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज राइट, है ना. Fe2+ क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Fe3+ में राइट. ये यहाँ से माइग्रेट होता है और Fe3+ में माइग्रेट होता है एंड दैट Fe3+ आयन इज रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द रस्ट. तो ये Fe3+ आयन किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है राइट, H2O एंड क्या फॉर्म होता है बेटा, रस्ट, Fe2O3 H2O प्लस 6H+ आयन. रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2. तो इस तरह से बेटा ये Fe3+ वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है दैट इज द रस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट. तो इस तरह से बेटा आयरन का रस्टिंग होता है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. दीज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस ऑन द आयरन रॉड राइट, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द आयरन रॉड, देर इज अ एनोड, देर इज अ कैथोड, है ना. कैथोड पे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है या Fe2+ फॉर्म होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का भी रिडक्शन होता है राइट, और रिडक्शन होकर वाटर फॉर्म होता है देन कैथोड पे, उसके बाद Fe2+ ये माइग्रेट होता है एनोड से एंड अगेन इट ऑक्सीडाइज टू द Fe3+ एंड देन Fe3+ आयन इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म द रस्ट. तो ये जो रस्ट होता है बेटा, है ना, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो रिएक्शन, है ना, ये फास्ट रिएक्शन है क्या ना, इट टेक्स अ टाइम. सो दैट इज अबाउट द रस्टिंग. डू यू अंडरस्टैंड, दीज आर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. ये इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा रिलेटेड टू द रस्टिंग ओके. तो ये हो गया बेटा करोजन और रस्टिंग. अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, और मतलब रस्टिंग, हाउ द रस्टिंग इज प्रिवेंटेड. सिंपल वे है, आपके घर में या स्कूल में जो विंडोज है, विंडो पैंस है, डोर्स है, ऑल दीज मटेरियल आर मेड अप ऑफ द आयरन. मेनी ऑफ द मटेरियल इन योर हाउसेस और बिल्डिंग्स दे आर मेड अप ऑफ द आयरन. तो बेटा ऐसे रस्टिंग होते हो तो आपको ये टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा. तो रस्टिंग कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो वो पेंट करने से, है ना, पेंटिंग से वगैरह उसको प्रिंट करना पड़ेगा, और भी कोई प्रोसेसेस है, मतलब हाउ द रस्टिंग इज प्रिवेंट, है ना. जिस फॉर एग्जांपल मैंने पेंट बोला, वार्निश बोला राइट, ये इससे बहुत से और भी प्रोसेसेस है, वो मेटलर्जी चैप्टर में हम हाउ टू प्रिवेंट ये स्टडी करने वाले है. तो दैट इज अबाउट द करोजन ओके बेटा. नाउ वी हैव द अनदर टॉपिक, दैट इज आई थिंक दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द रैंसिडिटी. तो चलो एक बार रैंसिडिटी आपको बता देता हूँ कि रैंसिडिटी मतलब क्या होता है ओके. तो ये करोजन हो गया बेटा, अब लास्ट टॉपिक है दैट इज द रैंसिडिटी राइट. अब रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ द लेफ्ट ओवर ऑयल, है ना, लेफ्ट ओवर ऑयल मतलब बहुत दिनों के बाद है ना रखा हुआ ऑयल है ना, उसको बहुत दिन हो गए राइट, उसको आप फूड कुक करने के लिए ये यूज करते हो, तो उसका जो ऑर्डर है बेटा वो कैसे आता है, फॉल, वी गेट द फॉल ऑर्डर फ्रॉम इट राइट. और ऐसा मतलब ऐसा ऑयल यूज करने से उससे फॉल ऑर्डर आता है राइट, और उससे जो फूड बनता है उसकी जो टेस्ट है राइट, उस फूड की जो टेस्ट है बेटा वो मतलब चेंज होती है ना, वी कैन नॉट गेट द अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ द फूड एंड इफ यू कंज्यूम सच फूड, ऐसा फूड यदि आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो इट विल अफेक्ट यूअर हेल्थ, वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा बेटा, अफेक्ट करेगा ओके. तो ये जो है मतलब फॉल ऑर्डर आने को इसको ही बोलते हैं हम रैंसिडिटी राइट. कई कई बार ऐसे होता है कि ऐसे आप जनरली इस तरह के ऑयल और इस तरह का घी यदि फूड स्टफ बनाने के लिए आप यूज़ करते हो, या मतलब ऐसे ऑयली फूड्स समझो आप बहुत दिनों तक उसको रखते हो,
तो उसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, एयर ऑक्सीडेशन होता है, और एयर ऑक्सीडेशन होने के बाद इट दैट फूड और दैट फूड स्टफ बिकम रैंसिड, एंड रैंसिड होने के बाद उसका टेस्ट चेंज होता है, और वो जो टेस्ट चेंज होने से दैट फूड इज़ नॉट गुड फॉर द कंजम्पशन, ओके। तो इसको बोलते हैं बेटा रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी भी कैसे, मतलब एंड हाउ वी प्रिवेंट द रैंसिडिटी और हाउ वी प्रिवेंट द रैंसिड, ओके। तो इसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है ना, रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बेटा, उसको ऐड करने से भी रैंसिडिटी क्या होता है बेटा, प्रिवेंट होता है, राइट। उसके बाद दूसरा, ये पहला होगा एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करना। दूसरा ऐसा है कि जो भी फूड स्टफ है, इस तरह के जो भी फूड स्टफ है उनको आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर, यूज द एयर टाइट कंटेनर फॉर द स्टोरेज ऑफ सच फूड स्टफ, सो दैट फूड स्टफ डज नॉट रैंसिड, उसका रैंसिड वो जो फूड स्टफ है वो रैंसिड नहीं होंगे एयर टाइट कंटेनर ने। एयरटाइट कंटेनर मतलब एयर का कांटेक्ट उसके साथ नहीं आएगा, एयर का कांटेक्ट नहीं आएगा मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं आएगा, ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो जो है वो रैंसिड नहीं होगा, वो जो फूड स्टफ है वो रैंसिड नहीं होगा, ओके बेटा। तो इस तरह से हम रैंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन एंड द रैंसिडिटी ऑफ दिस चैप्टर, ओके। हियर वी फिनिश दिस चैप्टर नंबर 3, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन, बराबर है। थ्रू आउट ये जो जितने भी क्लास इस चैप्टर की हुए उसमें हमने डिटेल्स में है ना, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज में जो ब्रेन पावर के, यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सभी हमने बेटा स्टडी की है, और जितने भी क्वेश्चन है वो भी हमने इस क्लास में जितने भी क्लास हुए वहाँ पे डिस्कशन किया है, ओके। आपको फर्दर भी इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होगी, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में वो आप बोल सकते हो कि एक्चुअली व्हाट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आर द क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओके बेटा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।